खोराबार पुलिस ने 5 ऐसे आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है जो यात्रियों को अपने टेम्पो में बैठाकर उन्हें सुनसान जगह ले जाकर उनका सारा सामान और कैश लूट लिया करते थे। खोराबार पुलिस ने इन युवकों के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां, एक असलहा, 10 मोबाइल फोन, लगेज बैग और अन्य घरेलू सामान बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि यह 5 आरोपी युवक लोगों को बहला फुसलाकर अपने टेम्पो में बैठाते थे, जिसके बाद उन्हें नशीली दवा खिलाते थे और सुनसान जगह पर ले जाकर उन्हें लूट लिया करते थे। उन्होंने कहा, भैया तुम उसको बैठा दीजिए सामान तो बड़ा है, बाहर है। लगाइए निकाल दीजिए, पॉलीथिन से निकाल दीजिए। मोबाइल फोन है, तरह तरह इन लोगों को बीच में करो तो खर्चा हो जाता होगा। पीछे आ जाओ। इसको और इधर खिचका, कहीं गवारिस पाले पाले। और इधर आओ, एक लोग इधर आ जाओ, और इधर दबो, और दबो सामने। चलो आईडी लगा। एसएसआई खोराबार के नेतृत्व में खोराबार की पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 5 छात्र जारखुरानों को गिरफ्तार किया गया है। इन जारखुरानों की मॉडल सपरंडा ये थी, इनके पास अपना खुद का ऑटो रिक्शा है और ये रेलवे स्टेशन या रेलवे रोडवेज से विश्वविद्यालय चौराहे के आसपास से उसमें सवारी बैठाते हैं। ऑटो रिक्शा में इनके जारखुरानी के लगभग 3-4 सदस्य पाले से बैठे रहते हैं, एक व्यक्ति ऑटो चलाता है। इनकी कोशिश ये होती है, अगर कोई अकेला आदमी दिखता है तो ये वहाँ शोरगुल करते हैं कि आपको किस रोड पे चलना है, सवारियाँ फुल हैं, आप आके बैठ जाइए, गाड़ी चलने वाली है। ये अकेले आदमी को उसमें शिकार बनाते हैं, चूँकि एक आदमी के लिए जगह छोड़े रखते हैं। रास्ते में ले जाके उस आदमी से मेल जोल करने के बाद उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, चूँकि इनके गैंग के लोग आपस में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उस आदमी को दबाव में लेके, प्रभाव में लेके, मित्र बना के कोल्ड ड्रिंक्स पिला देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने के बाद जब उस आदमी को नशा हो जाता है, ये उसे रास्ते में कहीं उतार देते हैं, ठेल देते हैं, इसके बाद उसका सारा सामान लूट के फरार हो जाता है। अभी इन्होंने 14 जून को एक आदमी के साथ घटनाकारी किया था, जिसका मुकदमा लिखा गया खोराबार में। 16 जून को घटना किया था कैंट थाना क्षेत्र में। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी फ़ोटो आपके अखबार के माध्यम से हम लोग प्रसारित करेंगे। तमाम लोग इनके शिकार हुए होंगे, कुछ लोगों ने थाने पर मुकदमे नहीं लिखाए होंगे। इनके पास से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, जिसमें ट्राली बैग हैं, पुराने कपड़े हैं, वॉशिंग पाउडर हैं, बाल्टी हैं, मोबाइल हैं। ये नकद पैसे बांट लेते हैं और जो यात्री के पास सामान मिलता है उसको भी आपस में बांट लेते हैं। यह जैसे रेलवे स्टेशन से चौरी चौरा रूट पे ले जाएंगे, खजनी रूट पे ले जाएंगे, कोशिश करते हैं कि लगभग यात्री इनका 20-25 किलोमीटर दूरी वाला हो, 15 किलोमीटर दूरी वाला हो। अब तक जो सामान इनके पास से बरामद हुए हैं उसे लगता है कि इन्होंने सैकड़ों यात्रियों को शिकार बनाया होगा, लेकिन हाल में 2 घटनाएँ प्रकाश में आई थी और उसका पर्दाफाश किया गया, सारे सामान बरामद कर लिए गए हैं और जो शिकार व्यक्ति हैं उन्होंने की पहचान भी कर ली है। सर, ये नशीली दवाएं कहाँ से परचेज करते थे? ये मेडिकल स्टोर से बता रहे हैं, अल्परास नामक दवा लाते थे, उसको कोल्ड ड्रिंक्स मिलाते थे और यात्री को पिलाने के बाद जब वो बेहोश हो जाता था उसे कहीं सुनसान जगह उतार के उसका सारा सामान लूट के फरार हो जाते हैं। नहीं, अभी तो उसे चिन्हित किया जा रहा है कहाँ से लेते हैं, या तमाम जगह से दवाएँ क्रैक कर लेते हैं।